इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन में है कि निम्न धातु से धातु शोधन की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो टाइटेनियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम को हम प्योरीफाई करने के लिए वॉन ऑर्कल मेथड का यूज करते हैं। इस विधि में हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं। दोनों की रिएक्शन से एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो गैस होता है, और इसको गर्म करने पर ये वापस से हमको टाइटेनियम मेटल दे देते हैं। इस विधि को वॉन ऑर्कल मेथड कहते हैं, और वॉन ऑर्कल मेथड से टाइटेनियम और जिरकोनियम मेटल को प्योरीफाई किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ शुद्धिकरण की बातें और कर लेते हैं, तो पूरा टॉपिक ही इसमें शुद्धिकरण का कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस से हम कुछ सभी मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एल्कली मेटल और एल्कली मेटल प्लस एल्कलाइन अर्थ मेटल, या हम कहें एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम को केवल और केवल वैद्युत विधि से ही शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये काफी सक्रिय तत्व होते हैं, तो किसी भी अपचायक पदार्थ से हम इनको अपचयित नहीं कर सकते। आगे आ गया हमारा लिक्वेशन। लिक्वेशन विधि से हम किस मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं द्रवीकरण। तो इस विधि से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो टिन, लेड और बिस्मिथ को द्रवीकरण या लिक्वेशन विधि से कर सकते हैं। अगला है हमारा डिस्टिलेशन, मतलब आसवन विधि। आसवन विधि से हम ऐसे एलिमेंट को प्योरीफाई कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, और इससे हम कर सकते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगला क्वेश्चन है मोंड विधि से हम किस मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। मोंड विधि से हम निकल को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और मेटलर्जी दोनों में ही पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में चार क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, तो अब शुद्धिकरण का क्वेश्चन इसमें से बाहर आने के कम चांस हैं। और कॉपर को पोलिंग विधि से शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने इसमें ये भी ऐड कर दिया है कि पोलिंग विधि से कॉपर को शुद्ध किया जाता है, और चांदी को जिस विधि से शुद्ध किया जाता है उसे अंग्रेजी में क्यूपलेशन और हिंदी में खर्पण विधि कहते हैं। इस विधि में हम एक हड्डी की कटोरी बनाते हैं, जैसे हमने किसी की खोपड़ी ले ली और उस खोपड़ी में अशुद्ध चांदी को भरकर जब हम गर्म करते हैं तो हमको शुद्ध चांदी प्राप्त होती है, क्योंकि खोपड़ी फास्फोरस को अवशोषित कर लेती है, लेड को अवशोषित कर लेती है और चांदी शुद्ध हो जाती है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रोपलीन के बहुलीकरण में उपयोग किए जाने वाले जिगलर नाटा के घटक है। 1950 में जिगलर नाटा ने एक कैटलिस्ट डिस्कवर किया जिसका नाम था जिगलर नाटा, मतलब एक जिगलर और नाटा ने मिलकर किया। और इसमें हम यूज करते हैं TiCl4 और एलुमिनियम ट्राइथाइल को। इस कैटलिस्ट को की डिस्कवरी के बाद में प्लास्टिक एज आ गया, मतलब 1950 के बाद को हम प्लास्टिक एज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक से चीजें बनने लगी और उनका उपयोग होने लगा। तो प्लास्टिक एज के लिए रेस्पॉन्सिबल है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये किसी भी एग्जाम में एज ए जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ, और 13th क्वेश्चन ये है कि HPO4-2 का संयुग्मी अम्ल क्या है। तो अगर हमें किसी का भी संयुग्मी अम्ल बनाना है तो आप उसमें एक एच जोड़ दो। तो इसमें अगर हमने एक एच जोड़ दिया तो ये बन जाएगा ये। और अगर हमें किसी का संयुग्मी क्षार बनाना है तो आप उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो यहां पे हमने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार दोनों को बनाना सीख लिया है, क्लियर। तो किसी का भी संयुग्मी अम्ल बनाना हो तो एक एच जोड़ दो, संयुग्मी क्षार बनाना हो तो
एक एच निकाल दो। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट के विलेयता गुणनफल का व्यंजक क्या है। तो अब इसको करने का आसान तरीका क्या है कि जो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट है वो ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा तो दो तो एल्यूमिनियम आयन बनेंगे प्लस तीन सल्फेट बनेंगे, तीन सल्फेट बनेंगे। तो अगर हम इसका केएसपी का सूत्र लिखेंगे, ये सॉलिड है, सॉलिड को कभी लिखते ही नहीं है, तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री ब्रैकेट के अंदर आएगा और जो आयंस की संख्या बनेगी वो खोपड़ी पर। ऐसे ही सल्फेट अंदर और कितने सल्फेट बने ये। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके केएसपी का सूत्र क्या होगा। अब कई बच्चों को डिराइव करना नहीं आता होगा या झट से रिवाइज कैसे करें, तो जिस सूत्र की इन दोनों को ऐड कर दो, दो आयन और तीन आयन, तो इसका जो भी सूत्र होगा उसमें एस की घात हमेशा पांच आएगी, तो एस पांच। जैसे अगर हम NaCl का सूत्र निकालते तो कितने आयन बनेंगे, दो, तो एस टू। और अगर जैसे बेरियम क्लोराइड तीन आयन देगा, एक बेरियम दो क्लोरीन, तो इसका जो भी सूत्र आएगा, जो भी सूत्र आएगा उसमें पावर तीन हो। अगर आपके एग्जाम में तीन चॉइस वाली दो चॉइस हो, मतलब जिसमें पावर तीन हो, फिर आपको ड्राइव ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको ड्राइव ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी। अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है किंग केमिस्ट्री के नाम से, उसमें आप विस्तार से चीजों को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच 10 पर विभव है। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम नष्ट समीकरण को लिखेंगे। नष्ट समीकरण हमारी होती है ई सेल इजुकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन। एन यहां पर है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन संतुलित समीकरण में दिए हैं या लिए, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा। माफ करना दोस्तों, थोड़ी साइड हमिंग आ रही। अब हाइड्रोजन का ई सेल जीरो होता है, ये एक बार जेई में पूछा गया कि क्यों जीरो होता है। ये इसलिए जीरो होता है कि सुविधा अनुसार मान लिया माइनस 0.0591। अब एन क्या आएगा और इक्वेशन क्या होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दी होती है तो हम हमेशा रिडक्शन वाली इक्वेशन ही यूज करेंगे। राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबों में ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन दी हुई है जो एकदम से गलत है, तो हमेशा रिडक्शन की इक्वेशन ही यूज करनी है। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये वन हो गया लॉग, ऊपर आएगा एच टू और एच टू की पावर वन ऑब्लिक टू और नीचे एच प्लस। अब इसने प्रेशर दिया नहीं है क्योंकि ये गैस बनी है, तो इसका प्रेशर दिया नहीं है। अगर प्रेशर नहीं दिया है तो 1 atm माना जाता है। तो अगर हम H2 की जगह पर 1 atm रख देंगे तो 1 का square root कुछ नहीं होता, तो हमारे पास इतना पार्ट बच जाएगा। और अगर हमने कभी भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो log 1/H pH के बराबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.05911 और इनटू पीएच। पीएच का मान है 10, पीएच का मान है 10, तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो एक जीरो कम हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा 0.591। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा 4।
हम देखेंगे इसके बाद 16th नंबर का क्वेश्चन। केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है और ये वो रिएक्शन है जिसमें पहली बार इक्विलिब्रियम की स्टडी की गई थी, इसलिए एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इसका केसी हमें याद होना चाहिए। इसका केसी चार होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखना, जब भी इक्विलिब्रियम में ए बी टाइप ए और बी के एक एक मोल रिएक्ट करके सी प्लस डी के एक मोल बनाए, तो इसकी जो एक्स का इक्वेशन होती है वो ये होती है अंडर रूट के और वन प्लस अंडर रूट के। ये डेरिवेशन है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी चाहिए। तो देखो यहां पर ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी। अगर ये मोल एक नहीं है तो फिर ये इक्वेशन काम नहीं करेगी, फिर आपको एक नई इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा एग्जामिनर नहीं करता है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो ऐसी ही प्रॉपर्टी दी जाती हैं जो झट से हो जाए। इसका केसी हमें घर से याद है कि चार होता है, तो वन प्लस अंडर रूट फोर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो 2/3 बन गया। तो अब ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स और ये भी एक्स, तो मतलब एस्टर और जल के अणु बनेंगे 2/3, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी। हम चलेंगे अब 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। 17 नंबर का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमारे पास दो रिएक्शन, इसको हमने के सी वन मान लिया और इस वाली इक्वेशन को के सी टू मान। तो के सी टू में और के सी वन में क्या रिलेशन होगा, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। सेकंड रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन की तुलना में उल्टी लिखी हुई है। उल्टी का मतलब यहाँ अमोनिया प्रोडक्ट है और यहाँ अमोनिया रिएक्टेंट है। जब भी रिएक्शन उल्टी लिखी हो तो आप इसको रिवर्ट कर। अब दूसरी बात, यहां दो मोल अमोनिया है, यहां एक ही मोल अमोनिया है, मतलब रिएक्शन आधी हो गई है, तो आधी के लिए स्क्वायर रूट लगाया जाता है। तो यहां पर रिएक्शन उल्टी प्लस आधी हुई है, तो उल्टी के लिए तो ये के नीचे आ जाएगा, आधी के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे। अगर ये तीन गुना कम हो जाती तो तीन लगा देते, अगर चार हो जाती तो चार लगा देते। ये सबसे आसान तरीका है रिवर्ट रिएक्शन का केसी लिखने के लिए। एनसीईआरटी का शायद इक्विलिब्रियम का छठवां सातवां क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर चौथा हो जाएगा। हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 18वां एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही एग्जामों में भारत में पूछा जा चुका है कि बोरिक अम्ल क्या है। तो बोरिक अम्ल की स्ट्रक्चर ऐसी भी लिखी जाती है और जनरली एग्जाम में ये ऐसे ही आती है। इसको देखकर कुछ बच्चों को लगता है कि भैया ये तो बेस है, नहीं ये एसिड। ये H2O से रिएक्ट करता है और H2O से रिएक्ट करके BOH4 माइनस और एक H+ बनाता है। ये जो H+ है ये बोरिक एसिड से नहीं आया है, इसलिए बोरिक एसिड आरिनियस एसिड नहीं है। बोरिक एसिड एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल इसलिए है क्योंकि इसने OH के लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है और जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड कहलाता है। तो बोरिक अम्ल लुईस अम्ल है और इसने एक H दिया है और वो आया है किससे, वो आया है वाटर से, ठीक है। तो ये एक क्षार की है और प्रबल लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो ये लुईस अम्ल है, साथ में एक क्षार की है। एक क्षार की का मतलब होता है एक H देगा। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इंग्लिश में मोनोबेसिक कहते हैं और ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ठीक है ना। तो क्षारकीय का मतलब है एक H देगा,
जैसे H2SO4 दो एच देता है तो हम उसको द्विक्षार क्षारकीय कहते हैं, और H3PO4 तीन एच देता है तो हम उसको त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। तो बोरिक एसिड का जलीय विलयन एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और इसमें खुद बोरिक अम्ल एक प्रबल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, जो शायद पिछली चॉइस से ही पिछले कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। इस अभिक्रिया में लुईस क्षार कौन है? लुईस क्षार वो होता है जो लोन पेयर दे, और लुईस अम्ल वो होता है जो ले। तो आयोडीन माइनस ने अपना लोन पेयर आयोडीन को दिया, तो इसमें आई माइनस तो हो जाएगा लुईस क्षार और आयोडीन हो जाएगा लुईस अम्ल, और ये हमारा एक I3- बन गया जिसका संकरण sp3d होता है और रेखीय आकृति होती है। तो यहां मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया है, I-3 का संकरण, ठीक है ना, इसको हम ऐसे करके NaI3 कहते हैं। यहां मैं तीसरा क्वेश्चन भी इसका बता देता हूं। इस पे क्वेश्चन आता है कि सोडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो सोडियम प्रथम वर्ग का एलिमेंट है, और प्रथम वर्ग के एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बच्चे इसको ऐसे निकालते हैं, x+3-1 बराबर 0, तो x+3 जो रॉन्ग आंसर। सोडियम प्रथम वर्ग का है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो या तो हमें इसका ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि एने की कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं तो दूसरी बात हमको ये याद होनी चाहिए कि इस एग्जाम्पल में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1/3 है, ठीक है ना। तो x का मान 1 हो जाएगा। जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन JEE के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने के लिए, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि कौन बफर का कार्य करेगा, कौन बफर का कार्य करेगा। तो बफर वो होता है जिसकी पीएच बदलती नहीं। बफर बनाने के लिए अब ध्यान से सुनना, दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार के साथ में लवण होना चाहिए, प्रबल क्षार के साथ में लवण होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, और सोडियम एसिटेट में जो NaOH है वो प्रबल क्षार का लवण है, तो ये बफर का कार्य करेगा। ये इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एसिटिक एसिड तो दुर्बल है, लेकिन ये HCl से आया है और जो एक प्रबल अम्ल है। तो बफर बनाने के लिए दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण होना चाहिए, या फिर दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ लवण होना चाहिए, जैसे NH4OH और ये HCl। हमने इसके 2 मोल ले लिए, तो 1 मोल तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, और इसका 1 ही मोल लिया है तो अंत में इसके 1 मोल ने इसका 1 मोल तो उदासीन कर दिया, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, ये 0 रह गया और 1 ये। दूसरा कंसेप्ट ये है, दोनों के मोल बराबर होने चाहिए, तो दोनों के मोल 1 और 1 हो गए तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमें लगता था बाद में रह जाएगा। जब हम किसी से 1 फराडे आवेश प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी पर 1 फराडे आवेश प्रवाहित करते हैं तो उसका 1 मोल अवशोषित होगा, कैसे होगा ध्यान से समझ ले। तो हमने इसको न्यूट्रल कर, तो चलते हैं और देखते। अब देखो Ag+, अगर हम Ag+ में 1 फराडे आवेश पास करें, इसके ऊपर 1 चार्ज है तो 1 मोल अवक्षेपित। तो कॉपर +2 पे क्योंकि 2 चार्ज है तो 1 फराडे से आधा मोल ही अवक्षेपित होगा, क्योंकि आयरन +3 पर
तीन चार्ज है तो इसका 1/3 मोल ही अवक्षेपित होगा। तो इसका एक आंसर तो यही हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाता है, कभी कभी हम इसको होल नंबर में बदल लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका दूसरा आंसर ये प्रथम आंसर है और ये इसको होल नंबर में बदलने के उपरांत आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड या फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा सेकेंड आंसर। क्लियर? तो इस तरह हमने आज फिर 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और रोज हम 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डालेंगे। आप चैनल से लगातार जुड़े रहें और आपको अगर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल रेट में आप सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कोर्स परचेज कर सकते हैं।